नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव है आपकी इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट ऐसे कि दोस्तों कि जो चीज़ें मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से पूरे द्वारका एक्सप्रेस जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं पिछली कई वीडियो में इस प्रोडक्ट का हिंट देते आया हूँ, बट ज़्यादातर लोग जो समझदार थे उन्होंने यहाँ पे बेनिफिट उठा लिया है, और जो ये चीज़ें सोचते रहे बहुत सारी चीज़ें तो वो शायद लॉस ही यहाँ पे खाएंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से और गाइड करूंगा दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर रिटर्न मिलेगा, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या डेवलपर बनाएगा, क्या ट्रस्टेबल है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, बट वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ नवराज ग्रुप के, जो कि हाई रेंज प्रोडक्ट प्लान करा है 37D के अंदर, बट आप लेट हो गए हो क्योंकि बुकिंग क्लोज हो गई। ठीक है, उसका बेनिफिट मैं आपके साथ है ना शेयर करने वाला हूँ कि जो लोग रह गए हैं उनके लिए क्या नुकसान हुआ है। यहाँ पे पहली बार बात करते हैं दोस्तों लोकेशन के बारे में। लोकेशन बैंगोन द्वारका एक्सप्रेस वे, आपको पता है कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे बिल्कुल आग लगी हुई है रेटों में, और लोकेशन ऐसी है बिल्कुल बैंगोन द्वारका एक्सप्रेस वे। अभी रिसेंटली सिग्नेचर लॉन्च किया था, सिग्नेचर से भी बेटर लोकेशन इसकी फ्रंट में पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं जी, आप काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं कि डेवलपर नया है, हमने नाम नहीं सुना है, बनाएगा पता नहीं, तो फिर रेरा किस लिए है, रेरा पे भी कोई ट्रस्ट नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है रेरा का भी, क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे भी हुए हैं जो अफोर्डेबल के थे और रेरा के आते ही रुक गए हैं। ट्रस्ट करें तो करें किसके ऊपर, क्योंकि रेपुटेटेड डेवलपर भी अगर देखेंगे तो कहीं कहीं वो भी दिक्कत कर देते हैं, बट ब्रांड में जाएं कैसे, हमारा बजट नहीं है, क्योंकि चाहते तो हम सारी चीज़ें अच्छी लेना है, बट अच्छी चीज़ें महंगी हैं जो कि आउट ऑफ बजट हैं, अदर नहीं आ रही हैं तो हमें ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पता नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा, तो दो समस्या तो दोनों साइड। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ब्रांड के साथ जाते हैं तो आप निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि रेट इतना हाई होता है, आप इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर चुके होते हैं, उसकी ROI अगर कैलकुलेट करते हो तो जी ना के बराबर आती है, तो दोनों तरह की समस्याएं हैं। बट इस चीज को एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं बार बार इस डेवलपर का क्यों आपको ये चीजें बताता हूं कि आपको ले लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट पिछली साल 2023 में मिड सेगमेंट का लॉन्च किया था 37D में, दी अंटालिया 37D, 5.5 एकड़ के प्रोजेक्ट में बेसमेंट टनल, फिर स्टिल्ट पार्किंग और ऊपर 5 फ्लोर थे, 2250 स्क्वायर फीट, 2750 स्क्वायर फीट, 3-4 BHK के अपार्टमेंट थे, बहुत अच्छा गजब का लेआउट, 12 फीट की सीलिंग हाइट, सेल बहुत दबा के, और रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। आज वहाँ पे इन्वेस्टर 3,000 रुपये का पैसा दे चुका है पर स्क्वायर फीट का, और 3,000 रुपये प्रॉफिट में बैठा है, और इससे ज़्यादा क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए एक साल में। और नेक्स्ट ईयर ये पोजीशन कर देंगे, वैसे 5 साल का होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये नेक्स्ट 3 साल में प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देंगे, तो इससे बढ़िया और क्या चीज़। पूरी तो बेसमेंट को दी इन्होंने, उसको डेवलप किया, फिर स्टील पार्किंग बनाई, और अब 5 फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है कई टावरों के। ठीक है, उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद देखें तो 37D में ये हाई राइज अब प्लान कर रहे हैं। ठीक है जी, हाई राइज अब अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये अभी इसको डेवलप करेंगे, कंस्ट्रक्शन होगी माईवन से होगी, उसके बाद फरीदाबाद में हाई राइज प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कमिंग सून फरीदाबाद लग चुके हैं होल्डिंग, और साथ के साथ आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे फ्रंट पेज पे न्यूज़ आती है। उसके बाद भी इनके कई प्रोडक्ट हैं जो लाइनअप होने हैं, तकरीबन जो हाई राइज प्रोडक्ट जहां 37D द्वारका एक्सप्रेस वे पे आ रहा है, यहाँ 25 एकड़ का लैंड पार्सल है जो कि फेस वाइज आएगा। दोस्तों मैं कहता हूँ ऐसी लोकेशन नहीं है, जो अभी जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं इस रेंज में रेट बहुत अच्छा है, गजब का रेट है जो कि पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपको नहीं मिलेगा। आज एक ही जुबान पे निकलता है रेट द्वारका एक्सप्रेस वे पे 20,000 रुपये, एक बॉक्स प्राइस रख दिया है 20,000 20,000 20,000, बट मैं दोस्तों कहता हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट आपको 13-14 पे मिल जाए तो कितना बेटर होगा, क्योंकि आप लो रेट में और हाई मार्केट का रेट ऑलरेडी 20,000 को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमें रेट 13-14 मिल रहा है तो क्या बुराई है। पेमेंट प्लान किसी का ऐसा नहीं है जितना इसका है, 30-30-40 का पेमेंट प्लान है दोस्तों, पहली पेमेंट भी 5 से 6 महीने, अगली 30% सुपरस्ट्रक्चर, और अगली 40% आपका ऊपर ऑन पोजिशन। मुझे तो इससे अच्छी चीज़ नहीं लगती है इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर या रहने के तौर पे, क्योंकि इसके अंदर 12.5 फीट की सीलिंग हाइट, 8 फीट की डेस्क बैल्कनी, 2 मास्टर बेडरूम, जो कि अभी तक किसी प्रोडक्ट में 2 मास्टर बेडरूम नहीं देखने मिलेंगे आपको, 14x17 14x18 के। उसके बाद बड़ा होल लिविंग, इटालियन मार्बल, मॉडुलर किचन, सर्वेंट रूम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, टोटल 5 टावर हैं, 2 टावर 3 BHK के, 2 4 के, और बाद में लॉन्च होगा आइकॉनिक तकरीबन 25 से 30 हज़ार पे पर स्क्वायर फीट का।
उसके बाद पांच क्लब, पांच स्विमिंग पूल, जीरो व्हीकल मूवमेंट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, दो लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, 37 स्टोरी के ऊपर, हर टावर के ऊपर गार्डन स्पेस यानी योगा स्पेस, सन डेस्क, ये सारे आपको टेरेस के ऊपर भी मिलेंगे। ओडीएम कंसेप्ट है और लोकेशन तो आप जानते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस है द्वारका एक्सप्रेस वे से। प्रोडक्ट का थ्री साइड ओपन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको। अगर आप इन्वेस्टमेंट को नहीं समझना चाहते तो मत समझो कि लॉस आपका ही है, फिर तो मैक्स ले लो 20,000 रुपये में, क्रिसुमी ले लो 20,000 रुपये में, क्रिसुमी भी मिल जाता है। उसके बाद सिग्नेचर 71 में आ रहा है 17,000 से 18,000 रुपये का लेके, उसमें कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। उसके बाद आप गंगा ले लो जी, 16,000 रुपये पे लॉन्च होगा सेक्टर 85 में, उसके उसमें आपका रेट आ जाता है जी 15,000 रुपये का। उसके बाद आप सेक्टर 80 में ले लो जी, आपका शोभा है, कॉन्सियंट है जी, वो भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जी वाइट लैंड आ रहा है जी तकरीबन 23,000 से 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट 103 के अंदर, तो जी भरमार है, आप कहीं भी ले सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी थी अगर आप लोगों ने ट्राई, क्योंकि अभी ये रेरा के ऊपर, हाई रेट के ऊपर होने हैं, सीधी बात है। और उस टाइम चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, चीज़ें भी बनेंगी, फिर बाद में आपका यही होगा भाई ले लेते तो बढ़िया रहता। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, नवराज की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनका लैंड पार्सल बैकअप वगैरह सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हर प्रोडक्ट ऐसा नहीं आता बार बार इन्वेस्टमेंट करने का। वैसे तो बाजार चलता हुआ है, आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, सोना में भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप अदर भी डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपकी रिक्वायरमेंट आपकी फंडिंग के अकॉर्डिंग। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ये ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।